बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेक्चर नंबर 29। प्रीवियस लेक्चर में हमने आईटी सिक्योरिटी और अदर इश्यूज के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स तिजारत या पैदावार की एक डिवीजन है जो प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक सामान और खिदमात के तबादले से मुतालिक है। इसमें मुआशी कदर की किसी भी चीज़ की तिजारत शामिल है, जैसे सामान, खिदमात, मालूमात या दो से ज़्यादा इदारों के माबेन पैसा। ई कॉमर्स क्या है? आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें इंटरनेट और दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर सामान और खिदमात की खरीदो फरोख्त होती है। ई कॉमर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स इंटरनेट पर सामान और खिदमात की खरीदारी, फरोख्त और तबादला है, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर लेन देन या फरोख्त के शराइत अंजाम दी जाती हैं। ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। हम ई बिजनेस की इस्तेमाल करते हैं बुनियादी तौर पर किसी फर्म के अंदर लेन देन और अमल की डिजिटल अहलियत की तरफ, जिसमें फर्म के कंट्रोल में इंफॉर्मेशन सिस्टम शामिल होते हैं। ई कॉमर्स में तिजारती लेन देन शामिल होती है जिसमें तंजीमी हदूद के उस पार कदर का तबादला शामिल होता है। इस पिक्चर में ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग के दरमियान डिफरेंस बताया गया है। ट्रेडिशनल बिजनेस में काफ़ी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कंपनी के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बनती है वो डिस्ट्रीब्यूटर को सेंड होती है, देन होलसेलर, देन रिटेलर, और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी होती है, और फिर जाके वो कस्टमर तक पहुँचती है चीज़। इन सभी स्टेप्स में कुछ परसेंटेज इंक्रीज होती रहती है प्राइस में, और डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी परसेंटेज इंक्रीज नहीं होती प्राइस की। इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट इफेक्टिव होता है ट्रेडिशनल बिजनेस से, और प्रोडक्ट भी डायरेक्ट सेंड होती है कंपनी से कस्टमर तक। हम ई कॉमर्स क्यों यूज़ करते हैं? हम ई कॉमर्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एंट्री कॉस्ट कम होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस होती है, इसके ज़रिए हमें ग्लोबल मार्केट में एक्सेस मिलता है, और ई कॉमर्स के ज़रिए हमें सिक्योर मार्केट शेयर की भी फैसिलिटी मिलती है। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। माइकल एल्ड्रिज एक इंग्लिश इन्वेंटर, जिद्दत पसंद और कारोबारी शख्स था। 1979 में इसने कंज्यूमर और कारोबार और बिजनेस टू बिजनेस के दरमियान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के काबिल बनाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग ईजाद की, जो बाद में ई कॉमर्स के नाम से जानी जाती रही। द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स। अब हम उस प्रोसेस को समझेंगे जिसके थ्रू ई कॉमर्स काम करता है। इंटरनेट पर एक मर्चेंट की वेबसाइट के होम पेज से रابطہ कायम करने के लिए कंज्यूमर ब्राउज़र का इस्तेमाल करता है। कंज्यूमर साइट पर नुमाया मसनूआत की कैटलॉग को ब्राउज़ करता है और ख़रीदारी के लिए आइटम्स का इंतखाब करता है। सिलेक्टेड आइटम्स को ख़रीदारी की टोकरी, जिसको शॉपिंग कार्ट भी कहा जाता है, इसमें रखा जाता है। जब कंज्यूमर सिलेक्टेड आइटम्स की ख़रीदारी मुकम्मल करने के लिए तैयार हो तो वो परचेज की हुई आइटम को डिलीवर करने के लिए बिल पर शिपिंग एड्रेस फ्राहम करता है। जब मर्चेंट का वेब सर्वर ये मालूमात हासिल करता है तो ये टैक्स, शिपिंग और हैंडलिंग चार्जेस समेत ऑर्डर के टोटल कॉस्ट का हिसाब लगाता है और फिर कैलकुलेट करके कंज्यूमर को दिखाता है। कस्टमर अब पेमेंट इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर प्रोवाइड करता है और फिर ऑर्डर जमा करा सकता है। जब क्रेडिट कार्ड नंबर की तस्दीक हो जाती है और कॉमर्स सर्वर साइट पर ऑर्डर मुकम्मल हो जाता है तो मर्चेंट की साइट कस्टमर की ख़रीदारी की तस्दीक करने वाली रसीद दिखाता है।
इसके बाद कॉमर्स सर्वर साइड पेमेंट की कार्रवाई और फॉरवर्ड के लिए प्रोसेसिंग नेटवर्क को ऑर्डर भेजती है। फाइनली वो शिपमेंट कंज्यूमर तक पहुंच जाता है।